हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अमराज एप्लीकेशन में अगर आप किन्हीं कारणवश अपने पासवर्ड को भूल गए हैं तो उसे किस प्रकार से रीसेट किया जाता है उसके बारे में सिखाने जा रहा हूं। अगर आप अमराज एप्लीकेशन में पासवर्ड भूल गए हैं तो ज़्यादा पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। जिसके लिए की आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, जब आप शुरू में हमराज एप्लीकेशन में यूज़र आईडी क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस समय आपसे क्या है, कुछ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका उसका आंसर पता है तो उसके द्वारा भी आप क्या है, हमराज एप्लीकेशन के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। दूसरा है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका पार्ट ऑर्डर हो रखा है और इसका आपके हमराज में रजिस्टर्ड हो रखा है, इसके द्वारा भी क्या है, आप हमराज एप्लीकेशन के पासवर्ड को आसानी से रीसेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर क्या है, एक ओटीपी आएगा जिसके द्वारा आप क्या है, अपने हमराज एप्लीकेशन के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चन, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं है तो क्या है, एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, यानी आप सेना में किस तारीख को भर्ती हुए थे, यह क्या है, आपके मंथली पे स्लिप में आसानी से मिल जाएगा। ढूंढने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अभी क्या है, मंथली पे स्लिप में पहले क्या है, एम्प्लॉय आईडी नहीं दिया गया था, अभी क्या है, चेंज कर दिया गया है, जिसके द्वारा क्या है, आप अपने हमराज एप्लीकेशन के पासवर्ड को आसानी से रीसेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ, जहाँ से मैं आपको क्या है, एक आसानी से किस प्रकार से हमराज एप्लीकेशन के पासवर्ड को रीसेट किया जाता है करते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, हमराज की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर क्या है, अपना पैन कार्ड और पासवर्ड डाल के कैप्चा डालना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या है, सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको आपका पासवर्ड आपको याद नहीं या भूल गए तो आप क्या है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आपको क्या है, फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्या है, पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड नंबर और जो नीचे दिए हुए कैप्चा को टाइप कीजिए। अभी मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल रहा हूँ। और अभी मैं यहाँ पे अपना कैप्चा डाल रहा हूँ जो मेरे को दिखाया गया है। और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या है, फॉरगेट पासवर्ड हु इज़ योर चाइल्डहुड हीरो करके एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, जब आपने हमराज क्रिएट किया होगा, पासवर्ड क्रिएट किया हो तो उस समय आपसे पूछा होगा कि आपने कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो मैंने कुछ रखा था, मेरे को याद नहीं है, तो अभी भी मेरे को याद नहीं है, तो फिर क्या है, मैं अब क्या याद नहीं तो क्या कर सकता हूँ, फिर ट्राई अनदर वे का ऑप्शन को चूज करूँगा। जैसे ही ट्राई अनदर वे का ऑप्शन चूज़ करूँगा तो यहाँ पर क्या है, मेरे को पासवर्ड चेंज करने के लिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ट्राई अनदर वे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब क्या है, आपका है पार्ट ऑर्डर हो रखा हो और उसका क्या है, हमराज पर रजिस्ट्रेशन। जैसे आप पार्ट ऑर्डर करते हैं तो वो क्या है, हमराज क्या है, आपका रिकॉर्ड क्या है, उसको रजिस्ट्रेशन कर देता है। जब ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर का ऑप्शन का आप जैसे चूज़ करेंगे तो वो क्या है, आपकी ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पे क्या है, एक ओटीपी जाएगा जिसके द्वारा आप क्या है, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपका आपको आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं है या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या किसी कारणवश आपके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है या ईमेल एड्रेस का पासवर्ड आप अपना भूल गए हैं तो आप क्या है, फिर यहाँ पर क्या है, ट्राई अनदर वे ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ट्राई अनदर वे ऑप्शन को चूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या है, दो चीज़ आपसे पूछा जाएगा, डेट ऑफ इनरोलमेंट यानी आपकी भर्ती की तारीख और एम्प्लॉय आईडी। ये एम्प्लॉय आईडी आपके पे स्लिप के, मैंने पहले भी कहा था आपको, पे स्लिप के बाएं साइड सबसे ऊपर होगा, आपने वो एम्प्लॉय आईडी इसमें डालना है और
वेरीफाई बटन को क्लिक करना है। अभी के लिए क्या है, ये दोनों चीज़ क्या है, मेरे को अपने मंथली पे स्लिप पे मिल जाएगा। तो मैं अपनी भर्ती की तारीख डालता हूँ, और अभी एम्प्लॉय आईडी, और वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कंफर्मेशन मैसेज आएगा, आर यू श्योर, आपका जो नाम है वो लिखा हुआ आएगा। इफ़ नॉट प्लीज़ क्लोज ब्राउज़र, अगर आप वो आपका वो नाम नहीं है तो आप उसको क्या है, इस ब्राउज़र को क्लोज़ कर देने के लिए बोल रहा है। अभी क्या है, मेरा ये जो कंफर्मेशन आ गया कि ये मैं ही हूँ, तो आपने क्या है यस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पर बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज इशू होगा, दिखाई देगा आपको, आर यू श्योर टू एक्सेप्ट, आपने ओके को क्लिक करना है। जैसे ही ओके को क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन करना है आएगा, आप उसको पढ़ना ध्यानपूर्वक और एग्री कर लेना। जैसे ही एग्री कर लें करेंगे तो वहाँ पे फिर एक क्या है, एक पॉपअप मैसेज आएगा, आर यू श्योर टू एग्री, आपने ओके करना है। ओके करते ही क्या है, ये हमराज क्या है, आपको क्या है पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, आप अपना नया पासवर्ड डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी पहले भी इससे पहले भी बताया था कि आपको अगर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन याद है तो आप उसके द्वारा भी आप अपने हमराज के पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। अभी क्या है, यहाँ पे आपको फिर एक क्या है, आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है, आप किसी भी क्वेश्चन को चूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी क्या है सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन को चूज़ करता हूँ, हु इज़ योर चाइल्डहुड हीरो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, चूज़ करके माई डैड लिख देता हूँ। ओके, और उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, पॉपअप मैसेज शुड डिस्प्ले होगा, सेव सक्सेसफुली और रिडायरेक्टिंग टू लॉगिन, ओके पर क्लिक कीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या है, आप अपने पासवर्ड को, आपका जो पासवर्ड है, चेंज कर सकते हैं अगर आप अपने हमराज में पासवर्ड भूल गए। तो यहाँ पे मैं क्या लॉगिन होके दिखाता हूँ पासवर्ड चेंज हुआ है कि नहीं। और मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरा पासवर्ड देखिए अभी चेंज हो चुका है। यहाँ पे इससे क्या है, जो भी मेरे को चाहिए वो अपना डिटेल ले सकता हूँ। जैसे मैं भी, मेरे को पार्ट ऑर्डर देखना है तो मैं क्या है अपना पार्ट ऑर्डर को देख सकता हूँ, मेरा क्या क्या क्लेम हो चुका है या होना बाकी है। फॉर्म 16 पे स्लिप देखते हैं, जुलाई का पे स्लिप आ चुका है। इस प्रकार आप अपने पे स्लिप को भी देख सकते हैं। यहाँ आकर ये मेरा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। कोई भी आप सलाह और सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप अपने अन्य साथियों को ये वीडियो शेयर करें, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। धन्यवाद।